हे फैमिली, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हंस ब्लॉग्स में। और ये है हमारा पहला एपिसोड जहाँ पे हम शूट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम विजिट करेंगे महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम को। अंदर हम चलते हैं एंड विजिट करते हैं, एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या और क्यों ये जगह इतनी फेमस है। ये एंट्रेंस है, तो सबसे पहले हमें टिकट लेनी होती है यहाँ से। एंड ये अंकल है जो टिकट देते हैं यहाँ पे। तो अंकल, क्या रेट है टिकट की? 40 रुपये। ओके। एंड आपने कुछ कहा था शूटिंग का भी कुछ चार्ज होता है यहाँ पे? उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा, उन्होंने हिसाब ना, उन्होंने प्रोग्राम के हिसाब ना, जो है जो ना रहेगा। ओके ओके, तो ठीक है। तो जल्दी से यहाँ से मैं टिकट, तो ये मेरी टिकट है, एंड जल्दी से अंदर चलते हैं एंड आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पे घूमने जैसा। एंड पहले ही हमें यहाँ पे टैंक्स दिख रहे हैं। ओके, एंड बहुत अच्छी जगह है ये घूमने वाले। ये हम एंटर हो गए हैं यहाँ पे अंदर, एंड स्टार्ट होती है चीज़ें यहाँ से। एंड यहाँ पे शायद अंकल थे, यहाँ पे वो चेक करते हैं, जैसे कि अभी हमने टिकट ली है, उन्होंने चेक नहीं की। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं। ओके, जस्ट 10 स्टेप्स मैंने अंदर एंट्री की एंड देखो मुझे क्या मिला। आप लोग देख के ना ऐसे शॉक होने वाले हो। है वो गन्स, देख रहे हो कितनी लंबी है, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो के ना इधर नीचे से फिर इतनी ऊपर तक जो है ये गन्स जाती हैं। एंड यहाँ पे कुछ हथियार रखे हुए हैं। ओके, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फायरिंग कैसे करते होंगे। आई थिंक किले के ऊपर जब ऐसे चढ़ के ना फिर फायरिंग करते होंगे। एंड ये कुछ स्वॉर्ड्स रखी हुई है यहाँ पे, जो कि ऐसे सजा के रखी हुई है। उसका यूज़ करना तो मुझे आता है, बाकी ये गन्स जो है मैं नहीं उठा पाऊँगा। एंड इस पर लॉक लगा हुआ है, बहुत पुरानी पुरानी और उस टाइम में जो यूज़ होती थी वॉर के टाइम में, वो गन्स और यहाँ पे वैम्पर जितने भी हैं वो है। ओके, हेलो, व्हाट्स योर नेम? रुद्र, सच अ ब्यूटीफुल नेम। ओके, इन विच क्लास यू आर? UKG। वेरी नाइस, सो स्मार्ट। ये कारगिल वॉर का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, एंड आपको पता होगा कारगिल वॉर जो है इंडिया ने जीती थी। ओके, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और ये जो है कारगिल गैलरी है। तो अब मैं आ चुका हूँ कारगिल गैलरी में, जहाँ पे कारगिल में जो वॉर हुई थी, जो इंडिया ने जीती थी, उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कैसी कैसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं। है मशीन गन। ओके, उस टाइम पे जो है इस गन से एक साथ में बहुत सी गोलियाँ निकलती थी। साथ ये है मशीन गन, ये भी एक टाइप की मशीन गन है। ओके, इससे भी, लेकिन इसमें जो बुलेट्स होते हैं ना वो मोटी होती है। ओके, इसमें थोड़ी सी छोटी होगी साइज़ में, जो बुलेट्स है इसमें जो है वो मोटी बुलेट्स लगती है। ओके, एंड ये LMG है। ओके, मतलब किसी पोस्ट पे से इसको, इससे फायर करना जो है ये बेस्ट रहता था उस टाइम पे। मतलब मुझे ये है बंदूक, ये उसकी बुलेट्स, एंड ये तो पता ही होगा ये बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट करता है। हमने देखा होगा इसको बॉर्डर मूवी में, वो सनी देओल ने ऐसे उठा के इसको फेंक दिया। तो अब मैं आ चुका हूँ नेवी के सेक्शन में, जहाँ हमें मिलेगी सबमरीन। एंड नेवी में जो भी वेपन्स यूज़ होते हैं शिप के ऊपर से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलो अंदर चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। Oh,
का डिपार्टमेंट, शिप सबमरीन सब कुछ है यहाँ पे। ओके तो चलते हैं हम बाहर की ओर। आप लोगों ने पानीपत की लड़ाई के बारे में तो सुना होगा, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी। तो यहाँ पे उसका मॉडल भी है। एंड आप लोगों को पता होगा कि इब्राहिम लोधी के पास 100,000 की सेना थी, फिर भी वो हार गया था। तो मैं मॉडल दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या वजह से जो है बाबर जीत गया था छोटी सी सेना होने के बावजूद। मेन रीज़न तो ये था कि इब्राहिम लोधी की सेना के आगे की ओर जो है हाथी थे, ओके, पीछे जो है बाकी की सेना रहती थी। बाबर की सेना के पास तोपें थी, जो उस टाइम पे किसी के पास तोप नहीं हुआ करती थी, और साथ ही साथ घोड़े थे सेना के बीच में। और इसने जो है ऐसे सर्कल की रणनीति अपनाई थी, तो जितने भी हाथी थे तोपों से पहले वार हुआ उनके ऊपर, एंड हाथी जो है वापस पीछे की ओर भागने लगे, एंड घेर कर जो है इब्राहिम लोधी की सेना को बाबर ने हरा दिया था। तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप यहाँ पे आओगे तो इसको भी पढ़ सकते हो। ओके तो ये है मॉडल जब अंग्रेजों एंड सिखों की लड़ाइयाँ हुई थी। ऐसी टाइम आ गया है टैंक्स को देखने का एंड बहुत सारी चीज़ें। और अभी पता है दोपहर के 2 बज गए हैं, कड़ी धूप है, पर फिर भी बड़ा मज़ा आएगा इनो। तो ये पार्क है एक टाइप का, म्यूज़ियम के पीछे बनाया है इसको। ओके एंड चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टैंक्स हैं यहाँ पे। ओके तो ये है वो टैंक, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है डाइमलर ज्यूसी स्काउट कार। ओके एक टाइप का ये कार है, बट इस पर वेपन्स को जो है लोड कर दिया जाता था। अभी मुझे नहीं लगता ये चलेगी, थोड़ी सी रिपेयर कर देंगे इसको, तो पक्का चलनी तो चाहिए। और इस टाइप की कार के यहाँ पे जो है वो सैनिक बैठता था, एंड उसके हाथ में गन होती थी। यहाँ पे भी कुछ आई थिंक फिट करते होंगे यहाँ पे ऐसे खाली स्पेसेस। तो ये है 25 PDR गन। ओके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पेशलिटी है इसकी। इसमें जो बुलेट्स लगते हैं ना, वो इतने छोटे या इतने बड़े बुलेट्स नहीं होते, बॉम्ब के साइज़ के बुलेट्स होते हैं। एंड यहाँ से इसको ऐसे लोड करते थे उस टाइम पे, एंड फायर करते थे सांप। सोचता था कि कभी जब मैं बचपन में ऐसे मूवीज़ देखता था बॉर्डर एंड ऑल, तो मेरा बड़ा मन करता था मैं ऐसा टैंक चलाऊँ। और इसको देखने के बाद तो मेरा सीरियसली यही मन कर रहा है कि मुझे शायद इसमें जाके बैठ जाना चाहिए। ओके तो ये है वो वाहन जिसमें मशीन गन कैनन सब कुछ फिट करते थे, एंड देन जस्ट इसका यूज़ करते थे वॉर के टाइम पे। ओके तो टैंक्स के बाद बारी आती है जेट्स की। तो यहाँ पे 2 जेट्स हमें दिखने को मिले हैं, और मैं बताता हूँ कौन कौन से जेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले ये हमारे पास रखा हुआ है MiG-27, और इसकी स्पीड उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, और जब युद्ध होता था इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता था MiG-27। अभी जो है F-15 जिस रेंज में है, उस टाइम पे MiG-27 उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था हर एक वॉर के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूँ किस टाइप का है अंदर से। तो ये पीछे से ऐसा दिखता है, एंड बहुत बड़ा साइज़ है इसका। इसके विंग्स में थोड़े से जंग लग गए हैं, और ये गेट हुआ करता है, इसको शायद बंद कर दिया गया। तो ये है 40mm NTAC गन MK-1। इसका यूज़ जो है वो एयर में करते थे, अगर कोई जेट ऐसे पास से ऐसे करके गुजरता था देन इस पर जो है लोड करके उससे फायर करते थे, वो शूट जो है वो कर देता था। ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी होगी मेरे साथ साथ, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। और अगर आप लुधियाना में कभी आए तो इस जगह पर ज़रूर आना, और यहाँ पर हमें टैंक जेट्स बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके एंड मिलते हैं इसी तरह एक अगले एपिसोड यानी कि अगले व्लॉग में किसी अच्छी लोकेशन पे।
तब तक के लिए जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।